Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on the current paper जो कि CUET 2022 में आ रखा है, जिसके answer keys कल ही रिलीज हुए हैं. ठीक है, तो आप सबके रिक्वेस्ट पे हम ये लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, जिसमें कि आप अगेन आपको जिस क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन को रेस्पॉन्स देना है या तो किसी क्वेश्चन को क्लेम करना है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे. बट स्टिल वी आर गोइंग टू मेक द वीडियोस ऑन दिस बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग कैंडिडेट्स. जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है. नए रजिस्ट्रेशन जो है क्लासेस के, वो शुरू होने वाले हैं नवंबर से, या तो आप अक्टूबर से भी प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो जिनको करना है वो कर सकते हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड अवर क्लासेस. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर सीरीज दैट केम इन दिस ईयर पेपर, विच कोड इज PGQ-FE-32. ओके, सो इन्वायरमेंटल साइंस का ये सब्जेक्ट इस बार के पेपर से आपके सामने. पहला क्वेश्चन, सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सीइंग हियर, इट इज आस्किंग दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा है. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे उसने बोला है कि करेक्ट प्रीपोजिशन की बात की है. ओके, सो अगर क्वेश्चन में करेक्ट प्रीपोजिशन की बात की है, तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन होता है वो कहाँ लगता है, कैसे लगता है, और किस वर्ड के बाद कौन सा टाइप ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए. अदरवाइज योर आंसर विल बी डेफिनेटली रॉन्ग. ठीक है, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे बाय लगाया है. ठीक है, दिस वॉज नॉट द आंसर, बाय आंसर नहीं हो. ठीक है, अगर आप ये सेंटेंस को पढ़ो, द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज ओरिजिनेटेड, यहाँ पे बोला है ओरिजिनेटेड, देखो ये वर्ड की बात है. ठीक है, अगर इस जगह पे लॉन्च्ड लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे बाय लगने के चांसेस थे. ठीक है, बट ये लिखा है ओरिजिनेटेड, मतलब शुरू हुआ है. ठीक है, शुरू हुआ कैसे है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनेटेड की मैं अगर बात करता हूं, तो ओरिजिनेट जो लगता है, ओरिजिनेट के बाद पहला वर्ड जो लग सकता है वो है फॉर्म, फ्रॉम. ठीक है, फ्रॉम, तो ओरिजिनेटेड के बाद जो पहला वर्ड लग सकता है वो है फ्रॉम. अगर फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम कहाँ लगता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर, ए लॉट ऑफ आवर मेडिसिन ओरिजिनेट फ्रॉम, अगर कोई चीज कहीं से पैदा हो रहा है तो लग सकता है. अब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जनधन योजना को पैदा तो नहीं कर रहे हैं, है ना, सिंपल सी बात है. प्रधानमंत्री जनधन योजना को कहीं से पैदा तो नहीं कर रहा है, ऐसा सेंटेंस तो नहीं बनाओगे भाई. फिर आता है तुम्हारा ओरिजिनेट इन मेनी क्रिसमस ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड इन जर्मनी. ठीक है, अब इन कहाँ लगता है, कहीं अगर प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो कोई प्लेस का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इज ए पर्सन, इट इज नॉट अ प्लेस. ठीक है, सो इट विल नॉट द आंसर. ठीक है, बट अगर हम बात करें, द आइडिया ओरिजिनेटेड विथ द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स, समझ रहे हो, यहाँ पे विथ की बात किया है. विथ क्या है, विथ तब लगता है ओरिजिनेटेड के बाद जब एक नाउन का कंपैरिजन होता है. ठीक है, इसका आंसर डेफिनेटली विथ था. ठीक है, तो दिस वाज विथ, तो दिस आंसर वाज विथ. फिर आता है ओरिजिनेटेड एज, द टाउन ओरिजिनेटेड एज ए स्मॉल फिशिंग पॉट. ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है. दैट्स व्हाई द आंसर वाज डेफिनेटली विथ, इसका कोई और आंसर हो नहीं सकता है. तो बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, बाय नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, विथ इज द एक्यूरेट आंसर. ओके, क्लियर. सो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे बोलता है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idioms फ्रॉम ए ऑप्शन गिवन. ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो idioms की बात किया है. ठीक है, idioms एक तरीके के phrases होता है, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है. तो राजेश का जो ब्रदर है गेव हिम ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कोर्स ऑफर्ड इन हंसराज कॉलेज, ये क्वेश्चन था. ठीक है, हंसराज कॉलेज में एक बर्ड्स आई व्यू दिया कोर्सेस पे, जो कोर्सेस मिल रहा है हंसराज कॉलेज पे, उस पे राजेश के ब्रदर ने उसको, राजेश को ये बर्ड्स आई व्यू वाला क्या कोर्स को समझाया, एक तरीके से ओवरऑल व्यू दिया. ठीक है, उसको हम ओवरऑल व्यू बोलते हैं. ठीक है, तो बर्ड्स आई व्यू जो है दैट इज ए नाउन.
ये क्या है, एक जनरल व्यू फ्रॉम दी अबव। जैसे कि अगर मैं एक पक्षी की बात करूं, पक्षी के जो आंख होते हैं वो जमीन को स्कैन कर रहे होते हैं एक तरीके से, ठीक है। उसके सामने जो सरफेस होता है, जैसे कि ईगल की बात करें, ईगल जब उड़ता है, सपोज करो ये ईगल है, ठीक है, एंड इट इज फ्लाइंग, ओके, इट इज फ्लाइंग। तो ये जब देखेगा, इसकी आंखें जो है ये पूरा व्यू पॉइंट को कैप्चर करते हैं सरफेस पे, ओके। तो अगर ये व्यू की बात करें, ये क्या करता है, एक जनरल व्यू दिखाता है एक तरीके से, ठीक है। तो एक जनरल व्यू फ्रॉम द अबव जिसको बोलते हैं, वो बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि विस्टा व्यू, वाइड व्यू, एरियल व्यू, साइनिक व्यू, प्रोस्पेक्ट, प्रस्पेक्टिव्स, आउटलुक, एस्पेक्ट्स, ये सब भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया था, एन ऑब्जेक्टिव व्यू, नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम कोई ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चल रहे हो, ये नहीं है। डिटेल प्रेजेंटेशन, नहीं प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, जस्ट एक व्यू है, ठीक है। इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हो, बस एक ओवरव्यू हो रहा है। तो एक जनरल व्यू जो था इसका आंसर था, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। क्लियर है इस पॉइंट पे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो, फ्रॉम द लास्ट 7 मंथ्स, इसमें बोला है, फ्रॉम द लास्ट 7 मंथ्स आई हैव बीन वर्किंग, होगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यही लगना है, क्योंकि हैव बीन वर्किंग करते आ रहा हूँ, यही बात है। तो इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो 100% सबने ही बनाया है सही से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इंग्लिश था और सिंपल सा इंग्लिश है, इतना इंग्लिश तो सब जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफायर, एक मिनट, ओके, 1 मिनट, ओके, हाँ। तो अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में जो सिनोनिम है उसको अंडरलाइन किया गया, उसको बताओ। तो बोलता है, रविंद्रनाथ टैगोर हैड ए पेंचेंट फॉर रीडिंग बुक्स, ठीक है। पेंचेंट का सिंपल मीनिंग हिंदी में झुकाव, ठीक है। और एक ही वर्ड है जो झुकाव का मीनिंग को यहाँ पे बता रहा है, दैट इज इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसमें तो कोई दादौरा है ही नहीं कि इसका आंसर इंक्लिनेशन ही होगा। स्ट्रेंथ नहीं होगा, डिजायर नहीं होगा, लाइकिंग नहीं होगा, डिजायर अलग चीज होता है, ठीक है। पेंचेंट का वर्ड का मीनिंग है झुकाव, ठीक है, मतलब एक तरीके से चाह, रुचि, इच्छा, ठीक है। इच्छा होता है डिजायर, यहाँ पे रुचि की बात चल रही है, ठीक है। तो झुकाव वाली जो रुचि है उसको इंक्लिनेशन ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो कोई और आंसर होना ही नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिए थे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो पहला वर्ड दिया था एबेटोर, बट एबेटोर का जो स्पेलिंग है ABATTOIR, इसका मीनिंग है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस का मीनिंग क्या होता है, अरे जहां पे मीट बेचा जाता है, ठीक है, मतलब जानवर को बुच करके जो मीट बेचा जाता है, मीट हाउस एक तरीके से, ठीक है। जो नॉन वेज पीपल है दे नो इट वेरी वेल, जहाँ पे जानवरों को काट के उनका मीट बेचा जाता है, दैट इज स्लॉटर हाउस, दैट इज स्लॉटर हाउस, ठीक है। तो एबेटर का मीनिंग ये होता है। फिर आता है एपेरी, ये करेक्ट था, दिस इज द राइट आंसर, एपेरी वाज द राइट आंसर। तो एपेरी का मीनिंग क्या है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, समझ रहे हो, जहाँ पे मधुमक्खियों को क्या घर दे के उनको बनाया जाता है, शहद बनाया जाता है, ठीक है। जगह बी हाइव्स देखे होंगे, छोटे छोटे जो टीन के बक्से होते हैं उनमें मधुमक्खियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एवेरी, क्लियर, ठीक है। फिर आता है एवेरी, इसका हम एवेरी बोलते हैं, एवेरी का स्पेलिंग AVIAR Y है। इसका मीनिंग है केव्स, बड़े बड़े केव्स, केज नॉट केव्स, दोज आर केज, ठीक है, जहाँ पे बिल्डिंग है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स को कीप करने की जगह, कीपिंग इन केजेस, ठीक है, ये है एनिमल बुचर हाउस, जहाँ पे एनिमल्स को मीट बेचा जाता है, स्लॉटर हाउस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बी हाइव्स, बी हाइव्स का कलेक्शन, क्लियर।
और आर्काइव्स सब जानते हो, आर्काइव्स को बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग था। आर्काइव्स का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और ए रिकॉर्ड, जो कि एक तरीके से प्रोवाइड करता है। आर्काइव्स तो समझ ही रहे हो, पुलिस स्टेशन में केसेस के फाइल्स होते हैं, स्कूल में बच्चों के एडमिशंस के फाइल होते हैं, तो दो हैं आर्काइव्स ओनली। आज के डेट में ऑनलाइन आर्काइव्स बनते हैं, ऑफलाइन आर्काइव पहले बनते थे, ठीक है, बंच ऑफ प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, सिंपल सी बात है, दिस इज नथिंग एल्स। आई होप कि ये जो लेक्चर है इससे आपको कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इस बार के वो क्लियर हो चुके होंगे, एंड इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और जो बच्चे नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी अभी से करना चाहते हो, दे कैन ज्वाइन अस, ठीक है, थ्रू आवर रेगुलर क्लासेस, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में जो नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, वी विल अगेन कम विद सम न्यू लेक्चर्स।